ओके सो भाइयों बहनों देवी सज्जन, स्वागत है आप सभी का एक और नए व्लॉग पे। फिलहाल हम हैं इस वक्त रजवाड़ा पे, राजमहल पे हैं। अंदर जाकर के कुछ शूट वगैरह करते हैं और सारा कुछ बातचीत करते हैं, जैसा भी जो भी सीन बनता है आप लोगों को दिखाते हैं। काफ़ी सही यहाँ पे का नज़ारा, और वो वहाँ पे हमारे राहुल भैया आपको मिलाते हैं इस शख्सियत से। इस शख्सियत को आप पहचानने की कोशिश कीजिए, पहले भी आप इनसे मिल चुके हैं। स्वागत कीजिए हमारे राहुल भैया का पुनः। अगर आप लोगों ने इन्हें नहीं देखा है हमारे व्लॉग पे, ऊपर आई बटन पे लिंक आ रहा है, जाकर देख सकते हैं, देख सकते हैं। तो अभी का क्या सीन है? अभी का नॉर्मली है, बस महाराज साहब तैयार होंगे बाजे गाजे के साथ, कई प्रकार के डांस पार्टी, धुरवा डांस, गोन डांस, आपका दंतेवाड़ा से पार्टी आई हुई है, सब फिर इकट्ठा होंगे यहाँ से। उसके बाद हम जाएंगे कुंडा फोर्ट रथ को लेने के लिए, अब वहाँ पे आपका नया खाई का ओके कार्यक्रम। तो अभी 35,000 लोग देख रहे हैं, 35,000 ठीक है। अब 35,000 लोगों को दिखाने की जिम्मेदारी आपकी है। चलिए ठीक है, क्या होता है क्या लाइव दिखाऊंगा आपको, अंदर एंट्री कराऊंगा, हर एक मूवमेंट, हर एक नियम और हर एक स्टेप आपको दिखाऊंगा महाराजा साहब को। और मतलब महाराज साहब को तो बिल्कुल पास से देखेंगे, घोड़े में देखेंगे, जाते समय घोड़े में जाएंगे, वापसी उनकी जो गाड़ी है, गाड़ी आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये गाड़ी, ये वापसी की है। जाते समय इसमें आपके सुकमा जमींदार साहब, सुकमा जमींदार जी बैठ के जाएंगे यहाँ से सामने में, और वापसी अब महाराजा साहब जाएंगे घोड़े में। इस बार 5 घोड़े आए हैं उनके लॉकडाउन की वजह से और कोरोना को देखते हुए, नहीं तो 10 घोड़े उनके है और 10 घोड़ों के साथ वो कुंडा फोर्ट जाते हैं। अच्छा, अंगरक्षक जो बोलते हैं। यस, ये राज परिवार का लेवल है, लोगो, जी लोगो है, सब पूरी रेडी हो चुकी है। ये सिंहासन जी, यस। तो फिलहाल हम लोग हैं राजमहल के अंदर पे, और आपने देखा गाड़ी दिखाया मैंने आपको, और राहुल भैया से भी मैंने आपको मिलाया। आगे बहुत सी चीज़ें होने वाली है, मैं बैठा हूँ यहाँ पे इनका इंतज़ार करते हुए। ये जो है मांदर वगैरह बजेगा, और ये राजा साहब के बैठने का स्थान पीछे जो है हमारे प्रवीण चंद भंसदेव जी महाराज। फिलहाल रथ को लेने के लिए राजा साहब यहाँ से निकलते हुए और घोड़े की सवारी कर करके यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, रथ को लाने के लिए यहाँ पर अलग अलग यहाँ के आदिवासियों के द्वारा जो यहाँ पर नृत्य किया जा रहा है। मुख्य अतिथि विश्व
बिल्कुल जी, यहाँ पे हमें कुछ बताने वाले हैं। हाँ। सारी जो यहाँ पे एक्टिविटीज हो रही है, इन सारी चीजों के बारे में कुछ बताने वाले हैं। बताइए सर। अभी जो ये एक्टिविटी हो रही है, इसका नाम है बाहर रहनी। हाँ। इसमें राजा जो है, हाँ, वो जाते हैं अपने रथ को लेने के लिए, हाँ, कुमराकोट पे। हाँ। और कुमराकोट पे वो अभी जाएंगे। हाँ। और वहाँ पे एक दवाखानी का रसम होगा। ओके। दवाखानी का रसम अटेंड करके, हाँ, वहाँ पे खाना खा के फिर वो रथ को लेके वापस आएंगे। अच्छा, ये ओके। तो काफी ज्यादा यहाँ पर माहौल बना हुआ है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। मतलब वाकई जैसा जयदेव साहब ने कहा कि किसी बारात से भी ज़्यादा यहाँ पर रौनकता देखने के लिए मिलती है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, सब तरफ यहाँ पर डांस हो रहे हैं, लोग यहाँ पर खुशी मना रहे हैं, हर तरफ पे गाने बाजे के साथ यहाँ पर डांस किया जा रहा है। बहुत ही अच्छा माहौल इस वक्त आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। देख सकते हैं आप लोग इस वक्त सामने रथ के पास हम पहुंच चुके हैं और मेले के जैसा माहौल है, लेकिन बताते हैं कि इतना खाली खाली जो दिख रहा है कोविड की वजह से है। और बाकी के समय पे अगर आप आते हैं तो यहाँ पे भाई साहब आपको पैर रखने के लिए भी जगह नहीं मिलने वाली। तो कुछ इस तरह से यहाँ पर रथ को कल रात को लाया गया था चोरी कर करके, एक प्रथा है क्यूट सा। अब यहाँ पे पूजा होगी, उसके बाद फिर यहाँ से रथ को वापस लेकर के जाया जाएगा राजा साहब के द्वारा, और माता की जो डोली है रथ के ऊपर रखी जाएगी। आंगा देव यहाँ के सब
एक बार फिर से वही सारी चीजें दोहराई जा रही है। इस बार राजा साहब जो हैं घोड़े पर नाव करके अपनी गाड़ी पे हैं, और इसके अलावा वही सेम चीज़ यहाँ से राजमहल तक जाया जाएगा। उसके बाद फिर पूजा पाठ के बाद आज का ये त्यौहार जो है ये यहीं पे ख़त्म किया जाएगा। मतलब यहाँ से राजमहल तक पहुँचते तक लगभग 12 तो बच ही जाने हैं, 11 से 12 हो ही जाने हैं, तो अंधेरे के वक्त मैं कुछ दिखा नहीं पाऊँगा। तो फिलहाल के लिए आज का ये ब्लॉग यहीं एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो एक लाइक कर दिए, कमेंट करके बिल्कुल बताइए कैसा लगा, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एक साथ बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय जगदीश।